हेलो प्यारे दोस्तों, तो मैंने आज ब्रेड पकोड़े बनाए हैं। क्या आपको ब्रेड पकोड़े पसंद है? अगर पसंद है तो मेरी वीडियो पूरा देखना। तो चलिए ब्रेड पकोड़े बना लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। तो आज बन रहे हैं ब्रेड पकोड़े, तो कीप वॉचिंग। हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड लिया है। लेकिन इससे पहले इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो फिलिंग, सो फ्रेंड्स, यहीं पे मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें तेल डाल दिया है 2 चम्मच। तो इसमें मैं डालूंगी 5 फोरन। तो 5 फोरन का अच्छे से तड़कने देना है। फिर इसी में डाल दूंगी मैं हरी पत्ते। तो यहीं पे मैं हरी मिर्च, अदरक, लहसुन साथ ही में पीस ली हूँ, यानी कि दरदरा पीस लिया था मैंने। तो इसे भी डाल दिया, अच्छे से इसे भून लेना है। यहीं पे आधा छोटा चम्मच मैं गरम मसाला ले रही हूँ और थोड़ा सा आमचूर पाउडर ले रही हूँ। साथ ही साथ में इसमें हल्दी डाल रही हूँ अच्छा सा कलर आने के लिए। और मैंने यहाँ पे लिए थे 4 बड़े आलू, उबाल लिए थे, इसे मैंने अच्छे से फोड़ लिया है। तो हाथों से ही फोड़ना है, मैशर का यूज नहीं करना है, हाथ से फोड़ेंगे तो अच्छा रहता है। और यहीं पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है। तो मैं अपने स्वाद के अनुसार नमक ले रही हूँ। तो यहीं पे हरी धनिया डाल दे रही हूँ मैं। अब इसे अच्छे से मिला लेना है हमें दोस्तों। गैस का फ्लेम हमें कम कर देना है और अच्छे से मिला लेना है। तो कुछ इस तरह से हमने मसाले को मिला लिया है। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका है ब्रेड पे लगने के लिए। तो चलिए बना लेते हैं ब्रेड के सैंडविचेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। तो अब इस पे हमें क्या करना है, ये मैंने मसाला ले लिया है आलू का, ऐसे स्प्रेड कर देना है मसाले को। और फिर एक दूसरी ब्रेड लेनी है और इस पे बिठा देनी है, रख देनी है। तो ऐसे ही करके कुछ मैं स्लाइसेस तैयार कर लेती हूँ। तो मैं ढेर सारा इसमें मसाला भर दे रही हूँ। दोस्तों, मैंने ब्रेड में मसाला भर दिया है, अब इसे बीच से काट लेना है। तो दोस्तों, क्या करना है हमें, बीच से इसे कट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो सभी स्लाइसेस को हमें कट करना है। सो फ्रेंड्स, ये सैंडविचेस बन के रेडी हैं। तो इनके लिए बेसन का अच्छा सा बढ़िया बैटर बना लेते हैं। फ्रेंड्स, बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े कप बेसन लिए। आप कोई भी बेसन यूज कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। और यहीं पे मैं एक चुटकी मैं खाने का सोडा डाल दे रही हूँ। अच्छे से मिला लेना है और इसका हमें अच्छा सा इसे फेंट लिया है मैंने। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। तो इसका फाइन बैटर बना लेना है। अच्छे से इसे फेंट लेना है, इसमें 2 से 3 मिनट समय लगेगा। तो अच्छे से फेंट लेना, इसमें लंप्स न रहे एक भी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए बैटर मेरा रेडी हो चुका है, एकदम ये तैयार है। तो ये देखिए मैंने इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से रखी है, आपको भी ऐसे ही रखना है। सो फ्रेंड्स, फ्राई करने के लिए कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लेना है हमें। सो फ्रेंड्स, तेल गरम हो चुका है, तो सैंडविच को बेसन में डिप कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए, बेसन में मैंने सैंडविच को डिप कर दिया। अब तेल में डालना है। इसी तरह सभी सैंडविचेस को फ्राई कर लेना है। तो ब्रेड पकौड़ा रेडी होने वाला है अब। अच्छे से ये देखिए किस तरह से सिक रहा है। तो ये ब्रेड के पकौड़े
पकोड़े फ्राई हो रहे हैं तो एक एक में पलट ले रही हूँ। तो मैंने इसे पलट दिया है, तो इसी तरह सभी को सेक लेना है। ब्रेड पकोड़े तैयार हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं, यानी कि ब्रेड पकोड़े, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। तो देखिए, तो ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। सो फ्रेंड्स, मार्केट जैसे ब्रेड पकोड़े तैयार हो गए, तो चलो फटाफट इसे चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ गई है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और वो घंटी है।